बच्चे होंगे। तो हमने इस बुक में CBSE की जो 8th क्लास की बुक है उसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर करा दिया था, एंड देन जो स्कूल टीचर्स हैं वो थर्ड चैप्टर नहीं करा रहे हैं तो हम भी उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, चैप्टर नंबर 4 कराते हैं सबसे पहले डायरेक्ट इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, जैसे ही वो चैप्टर उनके सिलेबस में होगा, आप सबके सिलेबस में होगा, आप मुझे बता दीजिएगा, हैं हम उसको अकॉर्डिंग उसको करा देंगे। ठीक है, जो अभी हाफ ईयरली में आने वाला है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो हाफ ईयरली में उसके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन देखो क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ। उसमें जनरली डायरेक्ट क्या होता है, सबसे पहली जो वर्कशीट है आपकी डायरेक्ट पे है, दूसरी वर्कशीट आपकी इनडायरेक्ट पे है, देन जो थर्ड है वो दोनों कॉम्बिनेशन है, फिर ब्रेन टीजर है। ठीक है ना, तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ बढ़ती है, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी खपत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट मीन्स देखो 2 लीटर ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय 4 मेंबर ऑफ अ फैमिली, 2 लीटर दूध को 4 मेंबर पी पाते हैं, 4 मेंबर फैमिली में होते हैं। अगर 3 लीटर हो गया तो 6 हो गए। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 लीटर था तो कितने मेंबर थे, 4 थे, ये 2 था ये भी 4 थे, ये 3 है तो ये भी 6, यानी कि जैसे ही मिल्क बढ़ा तो मेंबर भी बढ़ गए, और मिल्क कम था तो मेंबर भी कम थे। इसका मतलब है कि अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी भी चीज कम होगी, और अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज क्या होगी, बढ़ेगी। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, दूसरी इंक्रीज हो रही है तो उससे पहली भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि देखो सिचुएशन सेकंड है, आपकी 2 चॉकलेट 10 रुपए की है तो 4 चॉकलेट कितने रुपए होगी, 20 रुपए की। आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 2, तो पैसे कितने थे, 10, अब क्वांटिटी कितनी है, 4, तो पैसे कितने हो गए, ज्यादा। ठीक है, 20, तो अब देख रहे हो क्वांटिटी कम तो पैसे कम, क्वांटिटी ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा। तो हम कह सकते हैं हेयर इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ चॉकलेट रिजल्ट इन इंक्रीज द मनी ऑफ, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ी, एक चीज कम है तो दूसरी चीज भी कम है। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब सिचुएशन सेकंड जो थर्ड है जो आपको क्या बताए, स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, स्पीड ऑफ अ कार विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन कवर 30 आवर्स। अगर स्पीड उसकी कितनी होती है, 40 किलोमीटर पर आवर है, वो 1200 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर करता है 30 आवर्स में, 30 घंटे में। और जब स्पीड इंक्रीज हो गई 60 आवर पर आवर किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस पर आवर इज कवर्ड बाय 20 आवर्स। देखा आपने, स्पीड बढ़ी, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा था, स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा था, स्पीड कम हुई तो टाइम और कम हो गया। तो इसमें क्या हुआ, अब एक बात सोचो ना कि दिस सोर्स द इंक्रीज इन द स्पीड कॉजेस अ डिक्रीज इन द टाइम। भाई अगर तुम स्पीड, अब तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है, मान लो तुम स्कूल जाना है, अब तुम साइकिल से जा रहे हो, ठीक है, अगर तुम्हें आधे घंटे पहले निकले तो आराम से स्कूल पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हें 20 मिनट में स्कूल का रास्ता है तो आराम से आधे घंटे में 10 मिनट आपके बच्चे धीरे 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 चल के स्पीड कम करके पहुंच गए। लेकिन अब आपको स्कूल जाना है और आपके पास सिर्फ 15 मिनट है, तो आप क्या करोगे, स्पीड अपनी क्या करोगे, तेज करोगे। तो टाइम क्या हुआ, टाइम 15 मिनट में उसी डिस्टेंस को आपने 15 मिनट में क्लियर कर लिया, और वही डिस्टेंस पहले आप क्या कर रहे थे, आधे घंटे में क्लियर कर रहे थे। यानी कि स्पीड आपकी कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, और स्पीड आपकी तेज होगी तो टाइम कम होगा। ऐसा तब होता है जब हम कार्स की बात करते हैं, कुछ भी रनिंग चीज की बात करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसको देखो कैसे, सिचुएशन 4 क्या कह रहा है, 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे आपके इसमें ना, तो इसलिए उसने सारी सिचुएशन देके रख दी। अब सिचुएशन नंबर 4 देखो, फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क 16 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड 30 डेज बट 20 वर्कर्स रिक्वायर्ड 44 डेज। अब देखो यहाँ पे 16 वर्कर है, कितने दिन ले रहे हैं, 30 दिन। अब 16 व्यक्ति जो 16 पर्सन है वो 30 दिन लगा रहे हैं, अब नंबर ऑफ पर्सन क्या हो गए, 20 वर्कर्स कितना लगाएंगे, 24 डेज। अब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो गए, बढ़ गए ना, तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई ज्यादा लोग जल्दी काम कर लेते हैं, कम लोग थोड़ा देर काम करेंगे, और ज्यादा लोग क्या है, जल्दी काम कर लेंगे। इसलिए क्या हुआ, दस एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज। जैसे ही इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स तो जो हमारा डेज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ द वैल्यूज ऑफ टू क्वांटिटीज, अगर जो वैल्यूज है दो क्वांटिटीज के रिलेटेड इन अ सच वे, इस प्रकार से रिलेटेड है, इस प्रकार से संबंधित है, दैट इज चेंज इन अ, दैट इन चेंज इन अ वन रिजल्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर। अगर एक का रिजल्ट चेंज होता है तो दूसरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली चेंज होगा ही होगा, तो क्वांटिटी आर सेट टू बी डायरेक्ट वेरिएशन, तो हम उस क्वांटिटी को कहेंगे कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है। कब डायरेक्ट वेरिएशन में है, जब एक क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो चेंज है तो दूसरी क्वांटिटी का भी वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। देन वी से दैट
इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, कि वो किसकी फॉर्म में है, डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर्म में है. क्लियर? ठीक है. अब देखो टाइप्स ऑफ वेरिएशन कितने हैं, दो टाइप्स के हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. अब देखो डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, रिमेंबर इसने याद करने को बोल दिया है, इफ टू क्वांटिटीज आर डिडेड इन सच वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी रिजल्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग इन अदर वेज वाइस वर्सा. इसने बोला कि इस प्रकार से जो दो क्वांटिटी है अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगी, इंक्रीज होगी. एंड अगर कोई डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. इट इज कॉल्ड द डायरेक्ट वेरिएशन. इसको आप डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ. या देखो नंबर ऑफ स्टर्म्स एंड वाई क्या है, कॉस्ट इन रुपीज. ठीक है, नंबर ऑफ स्टर्म्स कितने हैं, अगर 5 है तो उसकी कॉस्ट कितनी, 10 है. 10 है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 20 है. 15 है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 30 है. 20 है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 40 है. 25 है तो 50 हो गई. 30 है तो 60 हो गई. ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है. ये सारे के सारे डायरेक्ट वेरिएशन में. क्यों? इफ यू एग्जामिन द टेबल यू विल फाइंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्राइस. हम क्या कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ स्टर्म्स बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. स्टैम्प्स बढ़े, पैसे बढ़े, तो हम किस में कहेंगे, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में हो गया. किसके फॉर्म में हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में. तो अब हम इसे क्या करते हैं, इसका मतलब है कि इन सभी की वैल्यू बाई डायरेक्ट, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज. इसका मतलब एक्स अपॉन वाई, जो हमारा एक्स और वाई मानेंगे हम, एक्स अपॉन वाई क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट. इन सभी की बीच की जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए. देखो तो इसलिए एक फॉर्मूला जो बन गया है वो क्या है आपका, x अपन वाई इक्वल टू के, यानी कि कॉन्स्टेंट. x अपन वाई इक्वल टू के, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. x अपन वाई इक्वल टू के, यानी कि k की x की वैल्यू क्या होगी, के वाई. के डज नॉट चेंज क्योंकि k एक कॉन्स्टेंट है, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 समथिंग, कुछ भी वैल्यू हो सकती है. अभी देखो आपको एग्जांपल से बताती हूँ कैसे होता है. अभी आपको ये याद रखना है कि अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x अपॉन वाई इक्वल टू के, यानी कि x अपॉन वाई की जो वैल्यू होती है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी. अब देखो एग्जाम्पल, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ एक्स एंड वाई इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच अ वे. अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम होगा. तो इन सच अ वे, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एक्स अपॉन वाई क्या है, रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि पॉजिटिव रहेगा. अब देखो एग्जाम्पल वन, आपको एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसलिए बताती हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाता है क्वेश्चन को करना. देखो एग्जाम्पल नंबर वन, फाइंड पी एंड क्यू इन द फॉलोइंग टेबल इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली. इसने खुद ही बोल दिया कि x और y वेरी कर रहे हैं किस फॉर्म में, डायरेक्टली फॉर्म में, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन के लिए अभी हमने क्या पढ़ा कि x अपॉन y हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी. तो 5 अपॉन 8 इक्वल टू में क्या लिख सकते हो, p अपॉन 32. भाई इन x अपॉन y, x अपॉन y, x अपॉन y, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी ना. जब कॉन्स्टेंट है तो इक्वल होंगी. ठीक है, जब कॉन्स्टेंट होती है ना कोई वैल्यू तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगी. तो 5 अपॉन 8 इक्वल टू क्या करेंगे, p अपॉन 32. इसे क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 8 इक्वल टू p अपॉन 32 इक्वल टू 10 अपॉन q, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इन सभी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी. अब देखो हमें p और q की वैल्यू निकालनी है तो एक बार इन दोनों को ले लो, क्योंकि इन दोनों से हमें p की वैल्यू निकल जाएगी. इन दोनों को मत लेना भाई, इन दोनों से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें वेरी का p और q की वैल्यू हो तो p और q पे फंस जाओगे. तो हमें वो चूज करनी है जो एक दी वी वैल्यू है. ठीक है, तो 5 अपॉन 8 इक्वल टू किसके रख देंगे, p अपॉन 32 के. तो p अपॉन 32 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो p इक्वल टू क्या आएगा, 5 इंटू 32 अपॉन 8, यानी कि 8 4 जा 32, 5 4 जा 20, तो 20 आ गया आंसर. ऐसे ही सेम 5 अपॉन 8 को किसके इक्वल ले लेंगे, 10 अपॉन q के. तो 10 अपॉन q के ले लिया तो q की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 इंटू 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, यानी कि 10 टू जा 8 टू जा 16, तो 16 आपकी वैल्यू होगी. p और q की दोनों की वैल्यू निकल गई. इस तरीके से आपको निकालनी है. ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखो वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए भी आता है. वेरीफाई करने के लिए बहुत ही जनरली आपको पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आता. वेरीफाई वेदर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर एंड इफ सो फाइंड के. इसने बोला कि वेरीफाई करो कि एक्स और वाई वेरी कर रहा है डायरेक्टली. अगर डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो के की वैल्यू निकाल लो जो कि कॉन्स्टेंट है. ठीक है भाई, फिर सबसे पहले हमें जांच, पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्स और वाई सच में डायरेक्टली में है या नहीं है. तो क्या करेंगे, x अपॉन हमेशा कॉन्स्टेंट होना चाहिए. तो देखो क्या करेंगे, x अपॉन वाई तो 2 अपॉन 3 ले गया, कट करा, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 आई. फिर 3 अपॉन 9 लिया, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो 1 अपॉन 3 आई. 5 अपॉन 17 लिया, 5 अपॉन 17 अगर आप लोगे तो 5 किसी के टेबल से नहीं कटता, 17 किसी के टेबल से नहीं कटता, 5 अपने टेबल से, 17 अपने टेबल से, 6 अपने टेबल से, क्या है, 3 3 3 जा 2, 3 जा 6, 2 है, तो क्या 3 अपॉन 10 आए.
यहाँ और यहाँ तो वेरी कर रहे हैं, 1/3 1/3, लेकिन आगे देखा तो वेरी नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेरीफाई एक्स और वाई डायरेक्टली, नो इट इज नॉट डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि इनके बीच का जो यानी के की जो वैल्यू है जो कि 1/3 होनी चाहिए वो नहीं आई है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। ठीक है, ये लिखा होगा, देखो पीछे देखा है, लिख दिया उसने कि 5/70 डज नॉट इक्वल टू 1/3 एंड ऑल्सो 6/70 डज नॉट इक्वल टू 1/3, नहीं आ रहा ना भाई। तो एक्स और वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली, एक्स और वाई डायरेक्ट वेरी नहीं करती है। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पर जो नोट है, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई इंक्रीज और डिक्रीज टूगेदर इट डज नॉट एनश्योर दैट इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट। अगर दो क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है कि अगर एक क्वांटिटीज बढ़ रही है और दूसरी क्वांटिटीज भी बढ़ रही है, या फिर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी है, तो वो हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके बीच का जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है यानी कि जो के की वैल्यू है वो इक्वल है या नहीं, तभी हम बता सकते हैं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं। ठीक है, यही इसने नोट में लिखा हुआ है। आपको छोटे छोटे नोट्स अपनी बुक के पढ़ने चाहिए। इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर देन वी शुड ट्राई इफ पॉसिबल टू ऑब्टेन रिलेशन के एक्स इक्वल टू के, अगर ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हमें हमेशा पॉसिबल एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के की वैल्यू हमें निकालनी होगी, जिससे कि हम पता कर सके एक डायरेक्ट रिलेशन में है या नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे शुरू होते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 मिनरल वाटर बॉटल्स इज 90 रुपीज, हाउ मेनी मिनरल वाटर बॉटल्स कैन बी बॉट फॉर दिस। 6 मिनरल वाटर बॉटल्स इतने हैं, 6 हैं तो उनकी वैल्यू कितनी है, 90 है। हाउ मेनी कितनी बॉटल्स चाहिए कि उनकी वैल्यू कितनी हो जाए, 225। अब सिंपली बात है, 6 है तो 90 है, पैसे बड़े हैं तो बॉटल भी ऑब्वियसली बात क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हमारी बॉटल कम थी तो पैसे कम थे, और बॉटल बॉटल की जो पैसे हैं वो ज्यादा है तो बॉटल हमारी क्या होगी, वो भी ज्यादा होगी। तो ये किस फॉर्म में हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन एज वी से स्पेंट। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी यानी कि कॉन्स्टेंट होगी। तो 6/90 इक्वल टू एक्स अपॉन 225 कर दिया। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा दी, 6 × 225/19। तो 5 यहाँ से हमने कट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 15, यानी कि एक्स की वैल्यू 15 बोतल की, यानी कि 15 बोतल का जो कॉस्ट है वो कितनी है, 225, और 6 बोतल की कॉस्ट कितनी है, 90। ठीक है, बात समझ में आई? देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे मैंने बताया, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रही हूँ। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या लिखा हुआ है मेरी बुक में। ठीक है, जिनके पास भी ये बुक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अ मैन डिपॉजिट अ सम ऑफ 5,000 इन अ बैंक एंड अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 600 इन 2 ईयर्स, हाउ मच इंटरेस्ट वुड अ डिपॉजिट ऑफ 8,000 अर्न इन द पीरियड। अब देखो टाइम तो फिक्स कर दिया उसने, टाइम फिक्स कर दिया कि 2 साल में उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, उसे इंटरेस्ट कितना मिलता है, 600 रुपये। जब भी हम पैसे बैंक अकाउंट में जमा करने जाते हैं तो उस अमाउंट पे हमें पैसे मिलते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट मिलता है। तो वही बोल रहा है कि अगर एक मैन ने 5,000 रुपये जमा किए तो उसे 2 साल में कितने रुपए मिले, 600 रुपए मिले। अगर वो 8,000 रुपए जमा करता तो कितने मिलते, तो सोचो ना कि जब 5,000 किए तो 600 मिले, तो 8,000 में तो ज्यादा मिलने चाहिए ना, 8,000 में ज्यादा मिलने चाहिए। तो इन केस ऑफ किसके फॉर्म में आ गया, डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में, डायरेक्ट वेरिएशन के फॉर्म में आ गया। तो क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इन दोनों को क्या करेंगे, 5,000 अपॉन 600 इक्वल टू 8,000 अपॉन x, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 5,000 × 600, 5,000 ये किस में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो 8,000 × 600 अपॉन 5,000, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0। अब क्या होगा, कट कर दो इससे, तो 5 के 5 कट कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आएगा 960। अब सॉरी, तो अब देखा आपने कि अगर हमने 8,000 लिया तो वैल्यू कितनी आई, 960 रुपये। 5,000 पे उसे इंटरेस्ट कितना मिला था, 600 रुपये, तो 8,000 पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसे, 960 रुपये। बढ़ गया ना, बढ़ गया, इसका मतलब है कि डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया। सिंपल सी हमें पता चल गया कि अगर 5,000 रुपये हम जमा करेंगे तो हमें वैल्यू 600 रुपये मिल रही है, तो 8,000 रुपये जमा करेंगे तो उसी टाइम पे वैल्यू हमारी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि हमारा अमाउंट बढ़ा तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? आई होप यहाँ तक मैं कोई क्लियर नहीं, यहाँ तक मैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट देखो वर्कशीट 1 है जो आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली। देखो एक्स और वाई वेरी डायरेक्टली का तो यहाँ पे लिख देना,
पी लिख दो, यहाँ पे क्यू लिख दो, यहाँ पे आर लिख दो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो? 6/80 इक्वल टू 8/P, तो P की वैल्यू निकल जाएगी मल्टीप्लाई करके। फिर 6/80 को 12/Q के इक्वल कर देना। फिर अगेन 6/80 इक्वल टू R/63 के इक्वल कर देना। अपने आप ही सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। 1, 2, 3, ये तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम वेरी करते हैं इसी डायरेक्शन में। आप चाहे तो आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कल कराऊंगी, कल प्रेफर करूंगी। अभी के लिए इतना ही। एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है? तो अगर वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे की वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, ठीक है? और अगर इससे पहले की प्रीवियस ईयर के जो आपको चैप्टर है उसके देख रहे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।